在您的经历，死亡之后。मैं आज इस पवित्र दशमनी अखाड़े के इस महान स्थान पे श्री गुरु रामदास जी सेवा सोसाइटी पुंछ की तरफ से मैं आज श्री मुबारक यहाँ से निकल रही है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ जो कि स्वामी जी महाराज की अध्यक्षता में तकरीबन हर साल लाखों की तादाद में जो भक्त यहाँ आते हैं और आके बाबा बुड्ढा मुल्ला जी के दर्शन करते हैं। लगातार 15 दिन से यहाँ हमने देखा है हजारों की तादाद में हिंदुस्तान के कोने कोने से श्रद्धालु आए हैं और श्रद्धालु आके बाबा बुड्ढा मुल्ला जी के पूरे दर्शन किए हैं। आज भी बहुत बड़ा जो प्रोग्राम चल रहा है, आओ मिलजुल के हम देश की पुरानी देश की शक्ति के लिए काम करें और स्वामी जी महाराज अध्यक्षा में उनका जो आशीर्वाद है पूरी पुंछ के ऊपर है, इसी तरीके से मिलजुल के इन प्रोग्रामों को हम बनाएं क्योंकि आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे रहते हुए भी स्वामी जी महाराज ने जो यहाँ पे काम किए हैं, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान से बाहर किए हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जोड़ने के लिए काम किए हैं, वो समाज की एकता और अखंडता के लिए काम किए हैं। आज हम इसी सिलसिले में यहाँ पहुँचे हैं और मैं फिर स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। खड़ी यात्रा आज से नहीं, ये अगर भेजे ध्यान देखा जाए ये लाखों साल कैंसिल कर रही है। जैसा कि बूढ़ा अमरनाथ नाम से जाहिर है बधाई स्वामी जी को देता हाँ, क्योंकि जिस समय इन्होंने दशनामी खाड़े की गद्दी पर विराजमान होए, सब तो पहला जो मैसेज इन्होंने दिता वो इको सी कि सारे इकट्ठे होके असी हर त्यौहार को मनावांगे। मैं सच की गल करांगा, सच कहने को ग्रेस नहीं करता कि कुछ तलखियां जरूर इतने सन, पर स्वामी जी की सोच सी कि सारे इकट्ठा करके सारे इकट्ठा किया और अज इस स्टेज के उत्ते जिथे जागीर मीर साहब आके बोलते हैं, जिथे जवान साहब बोलते हैं, जिथे ताजवीर बोलता है, जिथे बाकी सारे खेतरपाल जी सारे बैठ के बोलते हैं, ये देख इन्हों है सोच बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरु अर्जन देव जी पंचम पिता कवि से बिठाया गया, अग दे पापड़ बिठाए गए, तत्ती रेत सिर ते पाई गई, यासा कानून के मुताबिक उन्होंने तसीए दे के शहीद कर दिता। ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰ ਕਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੋ।
ਰਾਮ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁੱਸਾਏ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਬੁੜੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾਵੇ ਤੀਰਥ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਵੇ ਤੀਰਥ ਅੱਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਵਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਦ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇਬ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਦ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਓਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਤਿਥੀ ਗਣ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਭਾ ਘਰ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਅਨਯ ਸਥਾਨੋਂ ਸੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਅਤਿਥੀ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨਕਾ ਜਹਾਂ ਪੁੱਛ ਕੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਪਰ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ। छड़ी यात्रा सबके लिए भगवान शिव की कृपा बरसाने वाली हो, मंगल करने वाली हो, आनंद करने वाली हो। अभी जो है भोजन छड़ी का पूर्ण हुआ है, आप सभागार में छड़ी दर्शन के लिए थोड़े आधे घंटे के लिए और थोड़े गणमान्य व्यक्तियों के भाव विचार भी प्रकट होंगे, उसके बाद ठीक 9:45 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ॐ सत् ॐ सत् ॐ सत्।